छिंदवाड़ा सिंगोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड सेंटर में कार्यरत डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। अपनी जान की बगैर परवाह किए लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाले 36 वर्षीय डॉक्टर रहमान भी कोरोना की चपेट में आ गए। मृतक डॉक्टर के भाई मोहम्मद शकील और रहमान ने बताया कि सिंगोड़ी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सेंटर में 28 मार्च को उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। सर्दी जुकाम होने पर जांच कराई गई थी, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना महामारी से लड़ते हुए उन्होंने 17 अप्रैल को दम तोड़ दिया। मृतक डॉक्टर रहमान को आईसीयू में पलंग तक नसीब नहीं हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका कि उनकी भाभी भी जिला अस्पताल में डॉक्टर हैं। डॉक्टर पत्नी ने सिविल सर्जन एवं कोविड अधिकारी सहित अन्य कर्मियों से मदद की गुहार लगाई है। हालात ऐसे हैं कि अब कोरोना मरीजों को बचाने के चक्कर में डॉक्टर अपनी खुद की जान दे रहे हैं। आदर्श न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मोहम्मद शकीलुर रहमान है। मेरा भाई मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद खलीकुर रहमान, जो कि परासिया हॉस्पिटल में था, कोविड की वजह से उसको सिंगोड़ी हॉस्पिटल में 28 मार्च को उसकी ड्यूटी लगाई गई कोविड वार्ड में, और 9 अप्रैल को उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके बाद हमने उसको घर में क्वारंटाइन करा और 14 तारीख को हमने उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा। जिला अस्पताल में एडमिट करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे मेरी भाभी जो कि खुद वहाँ चिकित्सक हैं, वहाँ एडमिट करने के हमने सोची, और हमने जब वहाँ एडमिट करे तो ना वहाँ हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाई, ना बेड मिल पाया। हमने वहाँ के कोविड इंचार्ज और सिविल सर्जन मैडम से भी संपर्क करे बार बार, मगर वहाँ